आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे के सारे इसी बेस पे पढ़ेंगे, जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स। देखो ये ना 6 मार्क्स के लिए बहुत सेट क्वेश्चन है। तुम ये मान के चलो 6-7 क्वेश्चंस हैं जिनका बेस प्रोवाइड कराता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये हो या फिर ये हो, 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अगर तुमने एक बार नहीं कर रखा तो एग्जाम में तुमसे होगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम ये मान के चलो आने वाले ना 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं पे आके एंड होंगे। अब देखो 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, हमने इसे आई मान लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 से a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से a तक f(a−x) dx। तो क्या आएगा ये, I इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 − x एंड sin 90 − θ इज cos θ log cos x dx। अगर क्वेश्चन ये होगा तो यहां साइन बन जाएगा, मतलब दोनों सेम ही बात है। अगर लॉग साइन है तो लॉग कॉस बनेगा, अगर लॉग कॉस हो लॉग कॉस होगा तो यहाँ लॉग साइन बनेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ हम यूज कर रहे हैं लॉग m प्लस लॉग m, क्या होता है लॉग m इंटू, तो ये होगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log साइन x इंटू कॉस x। अब हम इसमें ना एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से π/2, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन एंड कॉस, ये एक में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, ऐसे 2 साइन x कॉस x अपॉन, इसे मैं साइन 2x लिख दूंगा और फिर यहां लॉग m अपॉन n लगा दूंगा, लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग। ठीक, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस, ये log 2 था और dx का इंटीग्रेशन कितना जाएगा x और लिमिट 0 से π/2 था। यहां हमने 2x को t मान लेते हैं, हमने 2x को t मान ले तो dx कितना आ गया 1/2 dt आगे। अब लिमिट कन्वर्जन करते हैं, देखो x 0 था, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ रख दो 0, 2 × 0 = 2, तो t कितना आ गया 0 आ गया। जब x की वैल्यू π/2 थी तो 2 × π/2 = t, तो t कितना आ गया पाई। तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2i = 0 से π पहुँच गया log 2x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा साइन टी, और डी एक्स की जगह क्या जाएगा 1/2 dt, और यहाँ पे माइनस का लॉग 2 और π/2 − 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो हम देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।